Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com jahan par aap step by steps AutoCAD Urdu mein seekh rahe hain. Dear students, is lesson ke andar main aapko 3D views ke bare mein bataunga. 3D views kya cheez hoti hai hamare paas. To aaye students, start karte hain apne lessons ko. Main AutoCAD ko open kar deta hu apne paas. Mere paas AutoCAD open ho chuka hai. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला काम हमेशा की तरह यूनिट सेटअप्स अपने पास आप कर लें. यूएन एंटर करें यूनिट्स के लिए. यहां पर मैं ये बात बताना चाहूं स्टूडेंट्स, अब हमारा इंशाल्लाह बकायदा स्टार्ट हो चुका है 3D की क्लासेस का. तो आपने स्टेप बाय स्टेप्स अब 3D की क्लासेस को देखना है, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. इंशाल्लाह इस तरह से आप AutoCAD इजिली 3D इसकी इजिली सीख लेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको जो चीज यहां पर बताना चाहूंगा वो क्या आपके पास, वो सबसे पहले जो चीज है वो 3D व्यूज हैं. अब जब तक आपके पास आपका व्यू क्लियर नहीं होगा, उस वक्त तक आप काम 3D के ऊपर नहीं कर सकते हो. अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई भी शेप बनाते हैं, देखिए जैसे कि मैंने एक शेप बना डाली है, ये मैंने इसको 2D में बनाया है. 2D से क्या बनाता है, ये आपके पास एक्स और वाई के अंदर है, जबकि 3D के अंदर जैसे कि आप जाएंगे आपके पास एक्स वाई और जेड आ जाता है. अब इसके अंदर जाने का तरीका क्या है, 3D को ओपन करने का मेथड क्या है, इसके लिए आपको किसी भी टूल बार के ऊपर राइट क्लिक कर देना होगा. आपने राइट क्लिक किया, यहां से आप नीचे आ जाएं, आपके पास व्यू है, व्यू के ऊपर क्लिक कर दें. जैसे आपने व्यू के ऊपर क्लिक किया, आपके पास ये टूल बार आ जाएगी. इसको आप कहीं भी एडजस्टमेंट बना लें. मैं इसके इधर टॉप पर एडजस्टमेंट बना लेता हूं. अब मेरे पास यहां पर कुछ मुख्तलिफ व्यूज आ चुके हैं. मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा, हमारे पास जो भी कोई भी शेप होती है उसके हमारे पास कितने व्यू होते हैं, 6 व्यूज होते हैं. यानी कि कोई भी नॉर्मल जो 3D शेप है उसके आपके पास 6 व्यू होते हैं. अब इस चीज का प्रूफ क्या है, अब अपने मोबाइल सेट्स अपने हाथ में ले लिया आप लोगों ने. अब देखें जो इसके बटन्स वाला एरिया है वो इसका टॉप व्यू है. देन जो इसका बैटरी वाली साइड है, यानी कि इसके बैक वाला एरिया जो है वो इसका बॉटम व्यू है. देन इसका जो लेफ्ट है वो आपके पास लेफ्ट है, दूसरी तरफ जो है वो राइट व्यू है. इस तरह से जहां पर आप चार्जिंग लगाते हो इसको आप फ्रंट व्यू कह सकते हो, और जहां से आपके पास अक्सर नोकिया का जो ऊपर ऑन ऑफ का बटन होता है उसको आप इसका फ्रंट व्यू कह सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास ये 6 व्यूज बनते हैं. अब यही बात है, अगर आप अपने पास कुछ नोट अपने हाथ में लें या कोई कागज का टुकड़ा अपने हाथ में लें, अगर आपने कोई अपने पास कोई 10 रुपए का नोट ले लिया अपने हाथ में या 10 एक कागज का टुकड़ा ले लिया है, अब आप उसको अपने हाथ में पहले मुकम्मल खींच के देखें तो वो आपको उसका टॉप व्यू नजर आएगा. फिर आप उसको उल्टा कर देखें तो आपको उसका बॉटम व्यू नजर आएगा. फिर आप उसको अगर बिल्कुल अपने यानी कि एक लाइन की शक्ल में कन्वर्ट कर उसको फ्रंट से देखें या बैक से देखने की कोशिश करें दूर करके, तो आपको एक लाइन नुमा शेप नजर आएगी. तो ये जो चीजें होती हैं आपके पास ये 6 व्यूज बनाते हैं. तो AutoCAD के अंदर भी आपके पास यहां पे डियर स्टूडेंट्स, टॉप व्यू से क्या होता है, जैसे आप क्लिक कर देते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका आपको टॉप व्यू नजर आता है. लेकिन जैसे मैं इसको यहां पे क्लिक कर दूं बॉटम के ऊपर, तो देखा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहां पर जरा गौर कीजिएगा, आपके पास ये वाली शेप इधर को चेंज हो जाएगी और टेक्स्ट भी ऑलरेडी आपके पास चेंज होकर नजर आ जाएगा. जैसे मैंने क्लिक किया टॉप व्यू है, और जैसे बॉटम व्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया तो देखें ये हर चीज मेरे पास उल्टा कर मेरे सामने आ चुकी है. वापस मैं टॉप व्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं, अगर मैं लेफ्ट व्यू के ऊपर क्लिक कर दूं तो देखें मैंने क्या कहा था आपको, जैसे आप लेफ्ट के ऊपर जाएंगे आपके पास लाइन नुमा शेप नजर आएगी. तो अब देखें आपके पास ये लाइन नुमा शेप नजर आ रही है. इस तरह से आप अगर इसका राइट व्यू देखेंगे, आप राइट पे क्लिक करें तो आपको अगेन यहां से भी एक लाइन नुमा ही शेप नजर आएगी. अगर आप इसके फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां से भी लाइन नुमा शेप नजर आएगी. बैक से क्लिक करें, यहां से भी आपको लाइन नुमा शेप नजर आएगी. ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसको टॉप लेफ्ट राइट फ्रंट बैक जब देखता हूं तो मेरे पास ये 2D शेप है. वापस इसको टॉप व्यू के पे लेके चला जाता हूं, मेरे पास ये शेप आ जाता है. फिर आपके पास स्टार्ट होते हैं आपके एस्ट्रोमेटिक व्यूज. आपके पास साउथ वेस्ट है, आप साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, तो आपके पास ये 4 व्यूज होते हैं. देखें आपके पास 1, 2, 3, 4, यानी कि आप इसको 4 पॉइंट से खड़े होकर देख सकते हो. जब आप इस जगह पर खड़े हो गए हो जहां पर मेरा माउस है, तो आपको ये एरिया भी नजर आएगा, ये एरिया भी नजर आएगा. इधर खड़े हो जाएं, ये नजर आएगा और ये नजर आएगा. इधर से ये नजर आएगा, ये नजर आएगा. यहां से भी ये नजर आएगा और ये नजर आएगा.
तो मैं अपने आप को सीधा एस डब्ल्यू व्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने एस्टोमेटेड व्यू पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे। अब अगर डी स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हो एस्टोमेटिक व्यू के ऊपर, देखें आपके व्यूज चेंज होते जाएंगे, आपका ऑब्जेक्ट उधर ही पड़ा रहेगा। तो ये आपके पास क्या करता है, किसी भी चीज के व्यूज को ये चेंज करता जाता है। इसी तरह से इसको डिलीट कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को। अब यहां पर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हम उसको एक्स और वाई के अंदर ड्रॉ करते हैं। अब मसला क्या है, अगर आपको यहां पर लाइंस लगानी है तो वो आप कैसे लगाएंगे। देखिए मैं टॉप व्यू के ऊपर गया हूं, वापस मैं एस डब्ल्यू व्यू पे आ जाता हूं, यानी कि एस्टोमेटिक व्यू पे मैं आ जाता हूं। अब ये काम हम कैसे करते हैं, मैं सबसे पहले अपना टेक्स्ट को जो है वो मॉडिफाइड करता चलूं। तो मैं ये कह रहा था अगर आपको यहां पर एक्स की लाइन ड्रॉ करनी है वो कैसे करेंगे, आप क्लिक कर दें यहां पे। अब देखें लाइन को मैं दाएं बाएं घुमा रहा हूं तो लाइन मेरे पास इजीली दाएं बाएं घूम रही है। अब डियर स्टूडेंट्स आपने इसको वैल्यू दे देनी है। अब हम वैल्यू से कैसे देते हैं, यानी कि अगर मुझको एक्स के पर लाइन चाहिए, मैं अगर F8 प्रेस कर दूं तो ये मेरे पास एक्स है और मेरे पास इधर वाई है। अब प्रॉब्लम ये है मुझे जेड की पर लाइन चाहिए। अब जेड की पर लाइन आप कैसे लेंगे, आपके पास देखिए माउस तो जेड की पर जा रहा ही नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फार्मूला टाइप करना होगा। तो आई फार्मूले में आपको दोबारा से बताता चलू, फार्मूले के लिए आपको करना, इसके लिए आपको डियर स्टूडेंट्स करना क्या होता है, फार्मूले के लिए याद रखिएगा पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा वाई की होती है और तीसरी वैल्यू डेफिनेटली आपके पास जेड की होती है। अगर एक आदमी आपको कहता है उसके पास रूम है 14 फिट्स, 12 फिट्स, 13 फिट्स और 15 फिट्स का, इसका मतलब यह है इसकी एक्स की वैल्यू क्या है, आपके पास इसकी वैल्यू है 12 फिट्स और एक्स की वैल्यू को हम लोग कहते हैं विड्थ। देन वो कहता है इसके पास जो वैल्यू है वो आपके पास 13 फिट्स की है, यानी कि ये आपके पास क्या है, लेंथ विड्थ हाइट। तो इस तरह से आगे चले जाएं आपके पास क्या आ जाती है, हाइट आ जाती है। अब ये चीजें आपको यहां पे भी देनी है। अब यहां पे मैं ये चीजें कैसे असाइन करूंगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास ये लाइन है आपको एक्स के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है, तो एट द रेट वही पुराना फार्मूला जो मैंने आपको बताया था पिछले लेसन के अंदर, एट द रेट के बाद पहली वैल्यू जो होती है वो आपके पास एक्स की होती है, वाई को मैं जीरो कर देता हूं और जेड को भी मैंने जीरो किया। अब जैसे मैं इसको एंटर कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स, देखिए मेरे पास दो फिट्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पे वापस इधर आए, मैं इधर आ जाता हूँ वापस के करीब, मैंने कहा एट द रेट मुझे 2 फिट्स की लाइन चाहिए, एक्स की पर कुछ नहीं करना और वाई के, एक्स की पर 2 फिट्स की लाइन चाहिए, वाई की पर कुछ नहीं चाहिए और जेड की पर मुझे 0 चाहिए। जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूँ तो आपके पास ये एक्स की पर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से अगर डियर स्टूडेंट्स आप वाई की पर लाइन को ड्रॉ करना चाह रहे हो, आप लाइन उठाओ इसे एक पॉइंट्स दे दें, एट द रेट ऑफ एक्स को आप 0 कर दें और वाई को वैल्यू दे दें और फिर Z को आप 0 कर दें। अब जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये Y के ऊपर लाइन ड्रा होगी। अब देखिए आपके पास इधर X है और इस तरफ आपके पास Y है, तो ये आपके पास सेम टू सेम यही शेप बन रही है, आपके पास ये X है और ये आपके पास Y है। अब स्टूडेंट्स मैं कुछ कलर चेंज कर देता हूं, मैं X को रेड कलर देता हूं, Y को मैं ग्रीन कलर दे देता हूं और यहां पर मैं कौन लाइन ड्रा करूंगा, इसके मिड पे जाके शिफ्ट एट द रेट X को मैंने 0 किया, Y को मैंने 0 किया और Z यहां से मैंने 2 फिट्स की वैल्यू मैंने इसको दे दी है और इसको मैं यहां पे जो कलर दूंगा वो मैं येलो का दे देता हूं। तो देखें डियर स्टूडेंट्स जब मैं अब इसको टॉप व्यू से देखता हूं तो ये मेरे पास ये शेप नजर आ रही है, X और Y की वैल्यू नजर आ रही है, क्योंकि आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए मैंने Z के लिए जो लाइन रखी है वो येलो कलर की रखी हुई है। अब जैसे आप टॉप व्यू पे जाते हो आपके पास देखें X और Y की वैल्यू दिखाई देती है, जैसे आप बॉटम व्यू में आ जाएंगे तो सेम आपके पास X और Y की वैल्यू दिखाई देती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी मोबाइल्स की ऊपर वाली शेप और नीचे वाली शेप। लेकिन जैसे ही आप फ्रंट लेफ्ट व्यू पे क्लिक कर देते हो तो आपके पास ये क्या होगा, येलो और ग्रीन दिखाई देगी, यानी कि आप जेड एक्सिस, क्योंकि जब आप किसी भी चीज को फ्रंट लेफ्ट से देखते हो तो आपके पास उसकी हाइट नजर आती है, जब आप किसी चीज को ऊपर से देखते हो
तो उसकी जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू नजर आती है। तो यही कानून मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। वापस आप इधर आ जाएं तो देखें, अगेन आपके पास ये शेप है। इस तरह से अगर आप जब इसको फ्रंट से देखेंगे, आपके पास अब क्या होगा, मैं फ्रंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगेन मैंने जैसे ही स्टूडेंट्स फ्रंट के ऊपर क्लिक किया, ये रहा, मैंने जैसे ही इसको फ्रंट के ऊपर क्लिक किया, तो देखिए अब ये आपके पास y की वैल्यू है, सॉरी ये z की वैल्यू है, और ये आपके पास दूसरी वैल्यू आ चुकी है। यानी कि फ्रंट से आप किसी भी चीज की हाइट को देखते हो, इस तरह से आप इसको जब बैक से देखोगे, सेम आपके पास यही चीज निकल कर आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपके पास होती हैं, आपके पास x की वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है, और z की वैल्यू होती है। अब जैसे इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखें x और y और z मेरे पास आ जाएगा, x y और z मेरे पास आ चुका है। तो इनकी अपोजिट वैल्यू अगर आपने देनी है, क्लिक करें शिफ्ट एट द रेट ऑफ, आप माइनस में वैल्यू देंगे और जीरो और जीरो। जैसे उसको एंटर किया, सॉरी आप यहां पर आ जाएं, एट द रेट मैंने एक्स को माइनस दो फिट्स दे दिया है, जीरो और फिर मैंने उसको जीरो, एंटर कर दें, मेरे पास की पीछे की तरफ निकल कर आ गया माइनस के पर। वापस आप इधर आ जाएं, अगेन मैं इसको जीरो कर देता हूं और माइनस दो फिट्स कर देता हूं और फिर मैं इसको जीरो कर देता हूं। देखिए इस तरह से ऊपर एट द रेट लगाए, एक्स को मैंने जीरो किया, फिर वाई को मैंने जीरो किया और माइनस मैंने इसको दे दिया। तो देखा आपके पास ये एक्स वाई जेड की पर लाइनें ड्रा हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा एक्स वाई और जेड के ऊपर लाइन लगाने का मेथड। अब इसी मेथड के थ्रू आपको तमाम 3D के ऊपर भी काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास ये एक सर्कल है, ये आपके पास x और y की डायरेक्शन पे है। अब यही सर्कल आपको ऊपर भी चाहिए, यानी कि ऊपर z की हाइट पर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी लगाओगे, सी कॉपी पे क्लिक कर देंगे, इसको आपने सेलेक्ट किया, एंटर कर दें और एक पॉइंट दे दें कहीं भी। आपने पॉइंट दे दिया, अब आप फार्मूला देंगे शिफ्ट एट द रेट, पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, तीसरी वैल्यू मैं यहां पर दे देता हूं इसको तकरीबन 50 फिट्स की, मैं इसको हाइट दे देता हूं। तो अब जैसे ही मैं इसे एंटर कर दूंगा, ये देखिए मैंने इसको एंटर किया, तो ये मेरे पास क्या हुआ, जेड एक्सिस की शेप चली गई है मेरे पास। इस तरह से मैं इसको अगेन डिलीट कर देता हूँ, फिर मैंने इसको डिलीट किया, एक रेक्टेंगल लगा देते हैं, ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। अब सी ओ कॉपी मैंने लगाया, सिलेक्शन दें, एंटर कर दें, इसको एक पॉइंट दे दें, शिफ्ट एट द रेट, एक्स की वैल्यू जीरो है, वाई की वैल्यू जीरो है, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया 20 फिट्स की वैल्यू में से दे देता हूँ। अब जैसे मैं इसे एंटर कर देता हूँ, देखें ये 20 फिट्स ऊपर हो चुकी है शेप। अब अगर आप इसको टॉप से देखें तो ये आपको सिंगल शेप नजर आएगी, क्यों, आपके पास ये शेप के ऊपर शेप है। अब इसकी एग्जांपल ये है, अगर आप एक बिल्डिंग के टॉप पे चले जाएं और उस छत के मिडिल पे आ जाएं, यानी कि इस एरिया पे आ जाएं, तो थोड़ा सा ऊपर होकर बिल्डिंग को देखें, आपको सिर्फ ये बॉक्स ही नजर आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको लेफ्ट से या राइट से देखने की कोशिश करेंगे, आपके पास आपका ग्राउंड और एंड तक आपको ये शेप मुकम्मल नजर आएंगे, इसके पीछे जो कुछ भी बना होगा वो आपको तमाम चीजें इधर दिखाई देंगी। वापस मैंने टॉप के ऊपर क्लिक किया, ये मेरे पास फिर व्यूज आ चुके हैं। वापस आप दाएं बाएं क्लिक कर सकते हैं, उसे घुमा के जिधर भी आपसे क्लिक करना चाहें आप इसको इधर क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया। इस तरह से अगर आप इसको मूव करना चाहें किसी भी शेप को, देखिए आपके पास ये सर्कल है, आप इसको मूव लगा दो, क्लिक करें, एक पॉइंट दे दें, शिफ्ट एट द रेट, एक्स जीरो है, वाई जीरो है, और जेड आपने दे दिया इसको 10 फिट की वैल्यू आपने दे दी। अब क्या हुआ, ये जमीन से ऊपर 10 फिट ऊपर मूव हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा एक्स और वाई के अंदर मूव करने का मेथड। इसके बाद जो चीज जरूरी होती है 3D को सीखने के लिए, वो क्या है, आपके पास किसी भी चीज को रोटेट करना आपको आना चाहिए। अब रोटेट करने के लिए एक तो आपके पास है सिंपल रोटेट, आप रोटेट पे जाएं, सिलेक्शन दें, एंटर करें, पॉइंट दें, आप इसको दाएं बाएं एक्स और वाई के ऊपर घुमाओगे। अगर आपका एफ8 ऑफ है तो देखें फिर आपके पास ऐसे ही घूमेगा। तो लेकिन मसला ये है, जैसे ये टेक्स्ट मेरा थोड़ा सा ऊपर हुआ, ये कैसे ऊपर होगा, क्यों, एक्स और वाई के ऊपर मैंने नहीं घुमाना। अब जब आप कोई भी चीज करते हो, उसको आपको जेड के ऊपर लेके जाना होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मॉडिफाइड, 3D ऑपरेशन और 3D रोटेट। अब जो सिंपल रोटेट है वो आपके पास ऑब्जेक्ट आपको क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करके देगा, जबकि जो 3D रोटेट है वो इसके अपोजिट जाएगा, यानी कि ये एक्स वाई पे जा रहा है, वो जेड पे रोटेट करेगा शेप को। अब मॉडिफाइड पे जाएं, 3D ऑपरेशन पे जाएं और रोटेट 3D पे जाएं, आपने सेलेक्ट किया, एंटर कर दें, इसे एक पॉइंट दे दिया आपने इसको, पॉइंट देने के बाद आप कहीं भी क्लिक कर देंगे और 90 की वैल्यू दे दें। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल 90 पर आ चुका है। अब आप इसे टॉप से देखें तो आपको सिंपल लाइन नजर आएगी,
लेकिन जैसे आप इसको फ्रंट से देखेंगे, आपको ऐसे ना देखें, जैसे आप इसको फ्रंट से देखें तो आपको ये बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। तो वापस मैंने इसको क्लिक किया, यहां पर मैं आ चुका हूं यहां पे। अब जरा इस शेप को समझिएगा, इस सिचुएशन को समझिएगा, मैंने क्या किया था। सबसे पहले F8 आपका ऑन होना चाहिए, अर्थो आपकी ऑन होनी चाहिए इस काम के लिए। मॉडिफाई 3D ऑपरेशन और रोटेट 3D, सिलेक्ट करें ऑब्जेक्ट को, एंटर कर दें, इसे एक पॉइंट दे दें यहां पे, और दूसरा पॉइंट आप इसको इस तरफ, अगर आप एक्स के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो इस तरफ क्लिक करें, वाई के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं तो इस तरफ क्लिक करें। तो मैं से सॉरी एक्स के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं इस तरफ को आ जाए, वाई के ऊपर आना चाह रहे हैं तो वाई के ऊपर आ जाए। तो मैं इसे एक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब आपने इसको किस एंगल पे लेकर जाना है, अगर इसे मैं यहां पर देता हूं 45 का एंगल, तो ये 45 तक जाएगा। फिर मैंने इसको डिलीट कर दिया। वापस देखें, मॉडिफाइड 3D ऑपरेशन, रोटेट 3D, सिलेक्शन, एंटर करें, फिर से एक पॉइंट दे दें यहां पे। अब अगर मैं दूसरा क्लिक यहां पे कर देता हूं, जैसे मैंने इसको दूसरा क्लिक इधर किया और मैं से यहां पे 90 की वैल्यू एंटर कर देता हूं, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब ये मेरे पास वाई के ऊपर खड़ा हो चुका है शेप। तो इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी भी शेप को 0 से 90 के ऊपर नहीं ला सकते हो, तो आप 3D के अंदर काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें जो भी शेप बनानी होती है 2D के अंदर या 3D के अंदर, हम उसको एक्स और वाई के अंदर बनाने के बाद 3D के ऊपर रोटेट कर देते हैं। तो रोटेट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही हमारी 3D की बेसिक क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम 3D के कमांड्स के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी विजिट TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑटो कैड का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 03439017779 पे, या हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, एक्सपी अकेडमी की तरफ से आपके लिए CD भी तैयार की गई है, जिसके अंदर ऑटो कैड मैप कलेक्शन है, उसको भी आप अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं, उस तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।